कहा जाता है कि सियासत विच कोई भी किसी का मित नहीं हुंदा, कदों की कुछ हो जावे कुछ पता नहीं लगता, अजिहा ही हुंदा जा रहा है भाजपा खेमे विच। खबरां हन कि भाजपा अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल बीते कुछ दिन पहला यूपी दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सी। जन्म दिहाड़े मौके कई ने वधाइया भेजिया, पर कमी रह गई मोदी सरकार के टॉप लीडर की। मोदी, अमित शाह ते भाजपा के वड्डे आगू जेपी नड्डा ने योगी नू जन्मदिन दियां मुबारकां नहीं भेजिया, जिस तो बाद सोशल मीडिया से एक वखरे तरह की चर्चा छेड़ गई है। तुहानू दस दई है कि यूपी देश का सब तो वड्डा सूबा है, ते योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ने, ते आनंदी बेन पटेल सूबे की राजपाल। ओही नंदी बेन पटेल जो गुजरात की कदे मुख्यमंत्री होया करती सी। विवाद सूबे च पिछलियां जिमनी चोणां तो लैके चल रहा है, जदों योगी आदित्यनाथ अपने ही गोरखपुर हल्के तो जिमनी चोण हार गए सन, ते कहा जा रहा सी कि योगी की सरकार विच चलदी नहीं, इसलिए टिकटां दी वंड वेले योगी दी भाजपा ने नहीं सुनी, ते दिल्लियों टिकटां दी वंड हो गई, जिस तों बाद योगी नूं लैके लगातार सस्पेंस बरकरार सी। ते हुण जदों 2022 दीआं चोणां यूपी दीआं सिर ते ने, तां सूबे च मुख्यमंत्री नूं लैके विवाद भड़का जा रहा है। इसे कड़ी नाल जोड़ के योगी आदित्यनाथ दे जन्मदिन दीआं वधाइयां नूं देखिया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि जेकर भाजपा का यूपी वर्गे सूबे च भी खलारा पै जांदा है, तो आने वाली चोणां च सरकार मुसीबत विच फस सकती है। तुहानू दस दईए कि सूबे च केशव प्रसाद मौर्य सने कई लीडर भाजपा की मोरली लीडरशिप ते योगी नूं पसंद नहीं करते, जबकि आरएसएस दे योगी बेहद करीबी ने। हुण देखना यह होगा कि यूपी की सियासत विच किस तरह का धमाका हुंदा है, या फिर सारा विवाद सुलझा लिया जाता है।